और अब पनामा लीक्स पर अमिताभ की सफाई। पनामा पेपर्स लीक मामले पर बॉलीवुड स्टार अमिताभ बच्चन ने सफाई देते हुए कहा था कि इंडियन एक्सप्रेस ने जिन कंपनियों का नाम लिया है उनमें से मैं किसी एक को भी नहीं जानता। हो सकता है कि मेरे नाम का गलत इस्तेमाल किया गया हो। मैंने अब तक अपने सारे टैक्स चुकाए हैं, विदेश में खर्च किए गए पैसे पर भी इसे चुकाया है। मैंने जो भी पैसा विदेश भेजा है वो कानून के तहत है, जिसमें LRS के जरिए भेजा गया पैसा भी शामिल है। तो ये अमिताभ बच्चन के द्वारा सफाई दी गई थी। तो अमिताभ पर ये सारे आरोप लगे, उसके बाद उन्होंने सफाई दी। पूरा मामला क्या था 50 करोड़ रुपए का? चंद्रशेखर के आगमन का सबसे बड़े लाभार्थी है वो, और बाद की सरकारें इनको तंग न करें इसके लिए फेरा बोर्ड के उन्नी नाम के एक व्यक्ति सिर्फ चंद्रशेखर जी ने इनके पक्ष में निर्णय करवाया जो क्वाजी जुडिशियल बना। सौभाग्य से या दुर्भाग्य से भैया अरुण जेटली अभी वित्त मंत्री हैं, पूर्वोत्तर निदेशालय उनके अंतर्गत है। वो सहारा मानो से पूछ लें कि क्या आपने 50 करोड़ रुपया फीता वाला को अमिताभ बच्चन के खाते में दिया है? सीके पीठा वाला नाम का व्यक्ति जिससे इन्होंने अप्रवासी भारतीय के रूप में चैनल चलाते हुए 50 करोड़ रुपये लिए और जिसको उन्होंने हस्तलिखित प्रनोट दिया कि तुम्हें लेना है हमें देना है, और वो प्रनोट लेकर के आज भी वो विद्यमान है, उसको सहारा की मदद से 50 करोड़ रुपये का भुगतान है।